हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट टू लैंडमार्क जजमेंट्स। मैं केशवानंदा भारती आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा, और उसके अलावा मैं इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो लास्ट जो मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स की आपके साथ वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आईसी गोलकनाथ तक बताया था, और मैं क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ जिस ऑर्डर में अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो जजमेंट्स आई हैं और उनकी जो रेलेवेंस है, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। और डिस्क्रिप्शन यार एक बार प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी सीआरपीसी की वीडियोज की लिंक दे रखी है, लेबर लॉ की वीडियोज की लिंक दे रखी है, एविडेंस एक्ट मैंने स्टार्ट कराया है, उसके अलावा मैं सीपीसी की लाइव सेशन से स्टार्ट कराने वाला हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल पनासिया से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो भी अपडेट्स और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वहां पे मिल जाएंगी। तो देखिए, लास्ट जजमेंट जो मैंने आपको आईसी गोलकनाथ की कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के अंदर जो भी जजमेंट थी उसको पूरा उलट दिया था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि पहले हम थोड़ा उसके बारे में कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ में कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट जो है आप वो अमेंडमेंट की जो पावर है ना 368, उससे बाहर है। मतलब आप ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट ब्रिंग इन नहीं कर सकते जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर दे, आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर दे, क्योंकि आर्टिकल 13 की जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर आर्टिकल 368 में बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट जो है, अमेंडमेंट का जो लॉ आप 368 को यूज करके बनाएंगे, वो 13 की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि 13 का जो लॉ वर्ड का डेफिनेशन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और वो बहुत ही वाइडर टर्म्स में उसकी इंटरप्रिटेशन करी गई आईसी गोलकनाथ के अंदर। तो अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि अब आगे जाके आप कोई ऐसा लॉ ही नहीं बना सकते, आप मतलब पार्लियामेंट को ऐसा लॉ ही ड्राफ्ट नहीं कर सकती जो कि फंडामेंटल राइट को किसी भी प्रकार से वॉयलेट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और 6-5 की मेजोरिटी में जजमेंट थी, काफी पेपर थिन मेजोरिटी थी, बट 11 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। तो अब क्या किया जाए, अब उससे पार्लियामेंट को प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट पास करी, और 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास हर किस्म का अमेंडमेंट पास करने की पावर है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आपका मेंशन है फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट ने अपने पास एक पावर ले ली, और उस जो जजमेंट थी आईसी गोलकनाथ उसको एक तरीके से 24th अमेंडमेंट पास करके सुपरसीड कर दिया। दूसरा जो 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने लॉ लेट डाउन किया, बोला कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल है और वो पास हो गया है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा, प्रेसिडेंट को कंपल्सरीली उस पर असेंट देनी पड़ेगी। और ये 24th अमेंडमेंट थी, और उसके बाद 25th अमेंडमेंट सुप्रीम पार्लियामेंट ने पास करी, 25th अमेंडमेंट। और वो 25th अमेंडमेंट कुछ यूं थी कि आर्टिकल 39 के अंदर जो क्लॉजेज हैं कि इकोनॉमिक वेल्थ वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम वगैरह की जो बातें हैं डीपीएसपी के अंदर, जो कि आपका पार्ट 4 है, तो उसके रिगार्डिंग अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाती है तो उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 को या आर्टिकल 19 को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है, उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, ये जो 24th अमेंडमेंट मैंने आपको बताई, जिसके थ्रू 24th अमेंडमेंट के थ्रू जो आईसी गोलकनाथ की जजमेंट थी उसको इफेक्ट को एकदम नलीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 25th अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट अब चैलेंज हो गई आपकी केशवानंदा भारती के जजमेंट में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केशवानंदा भारती में 7:6 की रेशियो से लॉ ले डाउन किया गया, जजमेंट पास करी गई, इट वाज आल्सो अ पेपर थिन मेजोरिटी। अगर एक जज इधर से उधर अपने ओपिनियन बदल देते तो शायद आज हम इंडिया में कोई दूसरा लॉ पढ़ रहे होते, शायद हम कुछ और जजमेंट पढ़ रहे होते। और 13 जजेस की जो बेंच है ना, वो बहुत बड़ी बेंच है किसी मैटर के लिए। आज के टाइम में भी आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैक्सिमम 9 जजेस की बेंच बैठती है, 7 जजेस की बेंच बैठ रही है, 13 जजेस इज अ वेरी बिग नंबर। तो वहां पे 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट को केशवानंदा भारती की वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट में चैलेंज किया गया, और यहां पे सवाल आया कि ये दोनों जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई,
कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पूरा अमेंडमेंट खत्म नहीं किया, पूरा पूरा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम के साथ लॉ को भी इवॉल्व होना जरूरी है, तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व होना जरूरी है। और आर्टिकल 368 की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर है। और आप गौरतलब देखिए कि किसी भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव जो है, जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको हम रेगुलरली ब्रिंग इन नहीं करते, रेगुलरली हम उनको नहीं लाते, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फॉर दैट मैटर कोई भी लॉ है, वो स्टेगनेंट हो जाएगा। और स्टेगनेंट जब होगा तो वो नीड्स ऑफ द चेंजिंग टाइम को केटर नहीं कर पाएगा। इस इंपॉर्टेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, किस जजमेंट में? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में ले डाउन किया है, वो लॉ आज तक एप्लीकेबल होता है। और वही लॉ आज के टाइम में आप सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पढ़ते हैं। अब वो क्या लॉ है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के पावर से कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बट हमें प्रॉब्लम पता है किस चीज से? हमें प्रॉब्लम है कि आप, मतलब पार्लियामेंट, कोई ऐसा लॉ ब्रिंग इन ना करे, कोई ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस ना करे जिसकी वजह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब सवाल आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर फिर होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आनी चाहिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कुछ चीजें ले डाउन कर दी अभी, और उसके बाद आने वाली जो आगे जजमेंट्स है, जैसे इंदिरा गांधी की जजमेंट आई राजनारायण वाली, या मिनर्वा मिल्स की जजमेंट आई, वमन राव की जजमेंट आई, आई आर कोहलो की जजमेंट आई, आगे जो आने वाले जजमेंट्स है उसके अंदर और बेसिक स्ट्रक्चर्स पे एम्फेसिस किया गया कि ये एलिमेंट्स भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है कि हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एक कोर है, वो आप अल्टर नहीं कर सकते, वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा पार्लियामेंट में लॉ ब्रिंग इन नहीं कर सकते जो हमारे उस कोर को वॉयलेट करने की, एब्रोगेट करने की, जो वोकैबुलरीज मैं यूज कर रहा हूँ, प्लीज इसको पेपर में उसी हिसाब से यूज करना आप लोग। आप किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के चीज को पार्लियामेंट के लॉ से आप उसको नहीं हटा सकते, आप उसको एब्रोगेट नहीं कर सकते, उस स्ट्रक्चर को इमैस्कुलेट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी चीजें ये बेसिक स्ट्रक्चर थी। तो देखिए, हमारा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी डेमोक्रेसी हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा सेकुलर कैरेक्टर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा लोकसभा राज्यसभा आप देखते हैं, तो राज्यसभा जो हमारे एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इंडिया को कंप्लीटली फेडरल नहीं कहा जाता, क्वासी फेडरल कहा जाता है। केसी वियर की अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, माइनॉरिटी के राइट्स, ये सारे के सारे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। और आप इनको खत्म करने के लिए आप कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट ब्रिंग इन नहीं कर सकता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को वैलिड तो करार दिया। क्यों वैलिड करार दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अमेंडमेंट करने की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अमेंडमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, 368 का यूज करके आप करिए अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को दी पावर, मगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब वो सर्टेन कंडीशन क्या है? तो वही कंडीशन थी आपका बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका सज्जन सिंह की जजमेंट में दो माइनॉरिटी ओपिनियन थी, माइनॉरिटी ओपिनियन जजमेंट का पार्ट बनती है मगर जजमेंट पे उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि माइनॉरिटी में वो वाला जो लॉ है वो ले डाउन नहीं हो पाता उस टाइम पे। सज्जन सिंह की उस जमाने में जजमेंट में जस्टिस मुधोलकर और जस्टिस हिदायतुल्ला की दो माइनॉरिटी ओपिनियन थी, जिसमें जस्टिस मुधोलकर ने ये बात पे फोकस किया था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक सिस्टम होता है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसी चीज को काफी वाइडर एम्बिट में,
काफी डिटेल्ड फॉर्मेट में केशवानंदा भारती में यूज किया गया। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का हम लॉ पढ़ रहे हैं, आने वाली जितनी भी जजमेंट्स है या फिर आज भी हम किसी भी अगर पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देखते हैं तो हम उसको इस ग्राउंड पे, इस पैरामीटर पे चेक जरूर करते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 24th और 25th को वैलिड तो करार दिया, मगर वही कुछ शर्तें लगा के। वो शर्तें किस नेचर की थी? वो नेचर वही था कि आप अमेंडमेंट करिए मगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या एब्रोगेट या इमैस्कुलेट करके नहीं। और क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। अब आते हैं हम अगली जजमेंट पे, जो कि आज मेरी दूसरी जजमेंट है। जो दो जजमेंट मैंने आपको बोली थी आज मैं डिस्कस करूंगा, तो दूसरी जजमेंट हमारी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। अब ये जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझते हैं। यहाँ पे क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया था, 39th अमेंडमेंट के क्लॉज 4 को, जो कि 1975 में आया था। अब ये क्या था पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस को, पीएम के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को, इस सब को स्कोप ऑफ ऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल उठ रहा है, तो वो चीज़ स्कोप ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, जो नॉर्मल कोर्ट का सिस्टम है, उसमें उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऐसा कहा गया था अमेंडमेंट में। उसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, और वो अथॉरिटी कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट ही वो अथॉरिटी बनाएगा। नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्यों? क्योंकि मेरे इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए मेरे ही द्वारा बनाई हुई अथॉरिटी होगी, तो दैट्स एन बट ऑब्वियस फैक्ट कि बायसनेस होने के चांसेस हैं, दैट्स अ बट ऑब्वियस फैक्ट कि वहां पे आर्बिट्रेरीनेस के चांसेस हैं और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो दैट वॉज द प्रॉब्लम इन द 39th अमेंडमेंट का क्लॉज 4, जिसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स के, जो आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं या फिर अदर यूनियन ऑफिशियल्स के मेंबर हैं, उनके इलेक्शन को ऑर्डिनरी, जो आप हम जुडिशियल प्रोसेस देखते हैं हाई कोर्ट का, नॉर्मल, लोअर कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, इससे बाहर करके एक अथॉरिटी बनाने की बात करी गई। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया गया था, उसको भी, उस रूलिंग को भी वॉइड कर दिया गया, दूसरी बात। और तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन थी अपील सुनने की, उस चीज को भी वहां से हटा दिया गया। अब सवाल आया कि एक तरीके से इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, उस पूरे प्रोसेस को ही कॉम्प्रोमाइज करने की बात चल रही थी 39th अमेंडमेंट में। तब इट वाज अ बट ऑब्वियस फैक्ट कि इसको चैलेंज करना ही था, और इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण की जजमेंट में इसको चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, आप स्क्रीन पे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे पहली बात तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ही कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय कर रही है। कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर? एसेंशियल डेमोक्रेटिक फीचर, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, दैट इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। और आप कोई ऐसा लॉ बनाने की कोशिश मत करिए पार्लियामेंट में जो हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एब्रोगेट करने की या किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए 39th अमेंडमेंट के क्लॉज 4 को, जो कि बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिख रहा था, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करने वाला था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और बोला कि नहीं, दिस अमेंडमेंट, दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज नॉट वैलिड। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि डेमोक्रेसी कुड ओनली फंक्शन व्हेन देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड दिस प्रिंसिपल वाज विशिएटेड बाय द अमेंडमेंट इन क्वेश्चन। कि जो 39th अमेंडमेंट का क्लॉज 4 था, दैट क्लॉज 4 वाज इन इटसेल्फ कॉम्प्रोमाइजिंग द होल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। कि कल को पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज तरीके से करा लिया जाएगा, सरकारी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाएगा, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। चैलेंज करना है तो एक सेपरेट अथॉरिटी होती, तो उससे तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही एक ऑटोक्रेटिक या टोटलिटेरियन रिजाइम में कन्वर्ट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट पास करी और रिट्रेट करा कि हमारा जो डेमोक्रेटिक फीचर है वो हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको पार्लियामेंट लॉ लाके अल्टर, वॉयलेट, एब्रोगेट, डिस्ट्रॉय, इमैस्कुलेट नहीं कर सकती। तो दैट वॉज टू जजमेंट जो मैंने केशवानंदा की डिस्कस करी और इंदिरा गांधी की। क्रोनोलॉजी में अभी भी फॉलो कर रहा हूँ लैंडमार्क जजमेंट्स की अमेंडेबिलिटी पे। अगली जजमेंट जो आपके साथ बनाऊंगा मैं, मिनर्वा मिल्स वगैरह, ए के रॉय वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, वामन राव बताऊंगा मैं आपको,
तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं CRPC पे मेरे 27 वीडियोज़ हो गई हैं। थैंक यू सो मच।